क्या आप भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चाय के समय एक ही तरह का नाश्ता क्यों हो? चाय को सर्व करते समय कहते हैं कि पहले कुछ नमकीन होना चाहिए, कुछ चटपटा या नमकीन, उसके बाद मीठा होना चाहिए। नहीं, हम इस रूटीन को तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सेठी और टी टाइम में आपका स्वागत है। आइए हम चाय की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। हम बनाएंगे साबले। इसको बनाने के लिए हम मक्खन लेंगे। एक कप मक्खन बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इस सॉफ्ट मक्खन को हम एक बोल में आइसिंग शुगर के साथ मिला लेंगे। तो एक कप मक्खन में हम डालेंगे लगभग 3 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर के। आइसिंग शुगर और मक्खन को आइए हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम फेंट लेते हैं जब तक कि मक्खन जो है थोड़ा लाइट और फ्लफी हो जाए। इसके लिए मैं इस इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूंगा। और क्योंकि हम आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जल्दी से घुल भी जाती है। और आप देखिए, जो मक्खन है ये लाइट और फ्लफी हो चुका है। इसमें अब हम मिलाएंगे मैदा और मैदे के साथ इसमें डालेंगे हम राइस फ्लावर। जी हाँ, अब इसमें हम लेंगे 3 चम्मच चावल का आटा और चावल के आटे के साथ ही इसमें हम मिला देंगे 6 बड़े चम्मच मैदा। थोड़ा सा नमक डलेगा और साथ ही में वनीला एसेंस। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक डो का रूप दे देंगे। और डो बहुत इसकी स्टिकी और नरम होती है, इसको इसलिए हम फ्रिज में रख लेंगे। और फ्रिज में रखने के बाद इसकी हम एक रॉड बना लेंगे। इसको बेल के लंबा एक रॉड की तरह लगभग 3 सेंटीमीटर की रॉड बना के इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो पहले हम डो को ठंडा करके एक रॉड बना लेंगे और रॉड को हम फ्रिज में रख के ठंडा करके सेट कर लेते हैं। और डो को थोड़ा ठंडा करने के बाद उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। दरअसल ये मक्खन की डो है, बिल्कुल मक्खन ज़्यादा है इसमें, इसलिए काफ़ी नरम होती है। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाती है। अब इसको हैंडल करना आसान है। इसको आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इसको एक रॉड का शेप दीजिए, लगभग 3 सेंटीमीटर की एक रॉड। इसको हम एक बटर पेपर में ले लेंगे और इस रॉड को हम रोल करने के बाद ठंडा होने और सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। मेरे पास पहले से ही ये एक रॉड मैंने बना के इस कुकी के लिए रखी हुई थी। आइए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पहले हम बीच में से आधा कर लेते हैं। आइए एक प्लेट में हम लेते हैं कैस्टर शुगर और साथ ही में इस रॉड को, जो कुकी की रॉड है इसको हमने काटा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसको आइसिंग शुगर में रोल कर लेंगे। पूरी तरह से इन दोनों रॉड्स को कैसे शुगर में हमने कोट कर लिया है। अब बारी आती है इनको बेक करने की। बेक करने के लिए हम एक ओवन की बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा लेंगे। तो आइए अब हम साबले बनाने के लिए इनको काट लेते हैं। थोड़ा थिक स्लाइस कटेगा इसका। अब इसको हम डालेंगे ओवन में बेक होने के लिए। ओवन जिसको हमने पहले 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रीहीट किया हुआ है, 30 से 35 मिनट लगेंगे और ये बेक होकर तैयार हो जाएंगे हमारे साबले। तो लीजिए, आज शाम की चाय की मीठी शुरुआत करने के लिए साबले तैयार हैं। पर इसको आप थोड़ा सा सॉफ्टली उठा के एक प्लेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और लीजिए, साबले बिल्कुल तैयार हैं और इसको बनाना बहुत जरूरी है। इसको बनाकर आप इंप्रेस कर सकते हैं पूरे परिवार वालों को, मेहमानों को, सबको। लेकिन बनाने से पहले आइए इसका एक रिकैप देख लेते हैं। साबले बनाने के लिए एक बॉल में 1 कप मक्खन और
3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालकर फ्लफी होने तक ब्लेंड कर लें। फिर इसमें 3 बड़े चम्मच राइस फ्लावर, 6 बड़े चम्मच मैदा और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें और फ्रिज में आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अब सेट मिक्सचर को बेल लें और 3 सेंटीमीटर डायमीटर के लॉग्स बना लें और आधे घंटे के लिए फ्रिज में फिर से सेट होने के लिए रख दें। अब इन लॉक्स को निकालकर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर कैस्टर शुगर में रोल करें ताकि उसके ऊपर कैस्टर शुगर कोट हो जाए और आधा इंच के स्लाइसेस में अब इसे काटकर बेकिंग ट्रे पर रख लें और 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें और ठंडा होने के बाद इन्हें सर्व करें। कहते हैं कि किसी भी मोड़ पर कहानी को छोड़ देना चाहिए यदि वो मोड़ मीठा हो, पर हमारा अभी कहानी छोड़ने का नहीं, अभी तो कहानी शुरू करने का समय है क्योंकि अभी हमने एक चटपटा स्नैक भी तो बनाना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।